अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा मैथमेटिक्स सेट्स का चैप्टर है, सेट्स एंड फंक्शन, एक्सरसाइज नंबर 5.1 डिस्कस करने जा रहे हैं आप। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिफाइन किया था और कुछ आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ बताई थी कि ऑपरेटर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है सेट्स में। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 में कुछ सवालात जिसमें हमने ऑपरेशन का इस्तेमाल करना सीखना है और उन सवालात को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके दिमाग में ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमने ऑपरेशंस को किस तरह से अप्लाई करना है किसी भी सवाल में। तो आएँ चलें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको सवाल दिया गया है। मैं सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, डेटा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको दो सेट दिए हैं, एक सेट x विच इज इक्वल टू 1479 और y भी गिवन है आपको विच इज 2459 देन फाइंड वन इज x यूनियन y। आपको फाइंड करना है x यूनियन y, आपको फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। हम पढ़ चुके हैं यूनियन कैसे निकालना है और इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, तो ये दो सवाल सॉल्व करके देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको बातें। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पार्ट 1, x यूनियन y। तो बच्चों x यूनियन y कैसे निकालने जाएगा, इस तरह से निकालेंगे कि आपको एक्सप्रेशन को इस तरह से देखना है कि x यूनियन y जब हम कर रहे होते हैं x प्लस y, तो यहाँ पर x की टर्म होती है प्लस y की टर्म होती है, दोनों को प्लस करना पड़ता है 2+3 और देन 5, ऐसे ही करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर करना है, u हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस एक ऑपरेटर है वैसे u मेरा एक ऑपरेटर है, ठीक है। x और y दो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल होते हैं, इधर हम सेट कहते हैं। x और y दो सेट है हमारे जिनको आपस में यूनियन का ऑपरेशन इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं प्लस वाली चीज़ मिटा देता हूँ, ये सब समझाने के लिए थी आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले x का वेरिएबल, x का सेट, यूनियन साइन, यूनियन ऑपरेटर, देन सेट ऑफ y, क्लियर। सेट ऑफ x इज 1479, सेट ऑफ y इज 2459। यूनियन मीन्स आपने दो सेट में मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को मिलाकर लिख देना है। यूनियन प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आपने जो दो सेट हैं उन दोनों के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे जो अंदर हैं ये सब एलिमेंट कहलाते हैं, इन सब एलिमेंट को ऐड कर लें, एक जगह साथ लिख दें, वो हमारा यूनिक आता है। अब कैसे साथ लिख दें, तो बेटा देखें 1 और 1 कहीं भी नहीं है, 2 है, दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट सब लिखने हैं, 3 नहीं है, 4 देखें, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, हम एक बार लिखेंगे दो बार नहीं लिखेंगे। देन आप देखें 5 भी मौजूद है, 6 नहीं है, 7 है, ये रहा 8 नहीं है, 9 मौजूद है, सारे एलिमेंट पूरे हो गए। 1 आप देखें 1 मुकम्मल हो गया, 2 मुकम्मल हो गया, 4 ये रहा 5 ये रहा, 7 ये रहा, 9 यहाँ पर दो बार भी लिखे हो सकते हैं, लेकिन उसके हम जब यूनियन निकालते हैं तो हम एक बार मेंशन करते हैं, समझ में आ गई बात। तो बहुत आसान है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया x यूनियन y का, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलें x इंटरसेक्शन y, सेम ऐसे ही है 1479 विच इज एलिमेंट ऑफ सेट x
ऑपरेटर इज इंटरसेक्शन सेट ऑफ वाई 1, 2, 4, 5, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने निकालना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब भी हम इंटरसेक्शन निकाल रहे होते हैं हमने दोनों सेट में मौजूद कॉमन एलिमेंट लिखना होता है। दो सेट में मौजूद कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट में पाए जाते हों। तो दोनों सेट में वन दोनों सेट में नहीं, सिर्फ इसमें क्रॉस। फोर दोनों सेट में है, हाँ दोनों सेट में है, इसका मतलब फोर हमारा कॉमन है। फिर सेवन तो नहीं है, फाइव तो नहीं है, नाइन हाँ नाइन है दोनों में, इसका मतलब फोर और नाइन वाहिद दो एलिमेंट हैं जो के कॉमन है। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, फोर एंड नाइन, ये जवाब है एक्स इंटरसेक्शन वाई का। तो यहाँ हमने पहले सवाल में सीखा कि यूनियन और इंटरसेक्शन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में इन्होंने दिया हुआ है इफ एक्स इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने प्राइम नंबर का सेट बोला है लेस देन और इक्वल टू 17, मतलब 17 जितना और 17 से छोटा। समझ में आ गई बात? अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में और वन के टेबल से डिवाइड हो जाएं, अपने टेबल से और वन के टेबल से डिवाइड हो जाएं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो मैं सेट आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, सेट एक्स प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 and 17 तक क्यों गया था मैं? क्योंकि उन्होंने सवाल में आपके सामने मेंशन किया है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। ठीक है, तो आपके पास सेट में बनेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17। देन y इज इक्वल्स टू, अब y भी दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हैं, देन फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। ये बनेगा हमारा y। यहाँ से आपने वही x यूनियन y निकालना है और y यूनियन x निकालना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर निकाला है। सेम हमने x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y निकालना है। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, दोनों को यूनाइट करके लिखना है और दोनों को इंटरसेक्ट करके लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा आपके सामने, यूनियन जो हमने निकालना होता है, जब यूनियन निकालना होता है हमने दोनों को मिलाना होता है, जैसा कि हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर वन में। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो देखें, गौर से सवाल को देखें, वन से लेकर 12 तक सारे नंबर हैं और 12 के ऊपर यहाँ पर 13, 15 और 17 तीन डिजिट हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा इसका आंसर, एक्स यूनियन वाई का आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये तो पूरी लाइन हो गई, यूनाइट करना है ना, पूरी लाइन हो गई, तो वो नंबर इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन 13 12 से बड़ा है, वो इसमें नहीं है, यहाँ पर मिलेगा 13, 15 and 17। दिस इज आंसर ऑफ एक्स यूनियन वाई। क्लियर? अब एक्स इंटरसेक्शन वाई में हमने कॉमन लिखने होते हैं, तो कॉमन यहाँ नहीं ऊपर पाए जाते होंगे। क्यों पाए जाते होंगे? क्योंकि देखें ये 1 से लेकर 12 तक सीरीज चलती भी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लेकिन यहाँ सीरीज नहीं है, यहाँ पे नंबर्स जो हैं डिस्क्रीट फॉर्म में लिखे हुए हैं,
2, 3, 5, 7 इस तरह से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 2 इसमें भी आता है, 2 कॉमन लिखने, 3 आता है, फिर 5, 5 भी आता है, 7, 7 भी आता है, 11, 11 भी आता है, यहाँ तक आते हैं 5, 7, 11। क्या 13 दोनों में मौजूद है? नहीं, इसमें है इसमें नहीं है, 15 इसमें है इसमें नहीं है, 17 इसमें है इसमें नहीं है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 ही ऐसे नंबर हैं जो दोनों सेट में कॉमन है। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा सवाल मुकम्मल होता है बच्चों। तो यहाँ तक बात समझ में आती है आपको? किसी बच्चे का यहाँ पे कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगले सवाल की जानिब चलते हैं बच्चों। डेटा मेरे पास कुछ इस तरह का है, x=1479 एंड y=2459। फाइंड हमने करना है x-y। अब तक आपने सीखे हैं दो ऑपरेटर, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आप कुछ नए ऑपरेटर सीख रहे हैं, x-y। यहाँ माइनस को डिफरेंस कहा जाता है। ये डिफरेंस का सवाल कर रहे हैं हम, x-y। ऐसे ही जैसे हमने यूनियन इंटरसेक्शन मालूम किया वैसे ही हम माइनस सॉल्व करेंगे। x=1479 एंड y=2459। डिफरेंस में बस आपने ये करना होता है कि जो दो सेट में कॉमन होते हैं, जो एलिमेंट दोनों सेट में सेम होते हैं, कॉमन होते हैं, यहाँ पर कॉमन दो एलिमेंट हैं 4 एंड 9। देखें, 1 दो एलिमेंट में, दो एलिमेंट ऐसे हैं, 1 दोनों सेट में नहीं आ रहा, 4 दोनों सेट में आ रहा है, 4x में एंड 4y में। अब आप 7 को देखेंगे, 7 ऐसा एलिमेंट है कि जो सेट x में आ रहा है एंड सेट y में नहीं आ रहा। 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो x में भी आ रहा है और y में भी आ रहा है। तो जो दो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आपने नहीं लिखना, वो कट कर देने। समझ में आ गई बच्चों? जो दो सेम एलिमेंट हैं डिफरेंस में उसको कट कर देते हैं, और जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास एलिमेंट बच जाएं, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास एलिमेंट बच जाएं, वो आपका रिजल्ट होता है। 1 एंड 7 आपके पास बच रहे हैं ब्रैकेट फर्स्ट में। एक्स माइनस वाई का रिजल्ट आपके पास बहुत आसान है, 1 और 7 आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और ऑपरेशन हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट का। एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। एक्स यूनियन वाई हमने अभी निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 में, उस एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। जब आप एक वेरिएबल का, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तब आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप दो वेरिएबल, दो सेट्स को यूनियन करने के बाद कॉम्प्लीमेंट उसका किस तरह से फाइंड करेंगे। तो आइए देखें, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है बच्चों, यूनिवर्सल माइनस एक्स। आपने यूनिवर्सल सेट में से एक्स को निकाल देना पड़ता है। माइनस वही है जो हमने ऊपर किया है, डिफरेंस। माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस वही है जो हम ऊपर मेंशन करके आए। यहाँ पर मतलब है यूनिवर्सल माइनस एक्स। अच्छा, यूनिवर्सल सेट हमें गिवन नहीं है। आप सवाल में देख सकते हैं, मैंने आपके सामने सिर्फ एक्स और वाई लिखा हुआ है, यूनियन का, यूनिवर्सल का सेट मैंने आपको नहीं दिया। तो आइए यूनिवर्सल का सेट भी ले लेते हैं। मैंने रैंडम सवाल लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रैंडम सवाल में हमने एक्स ये लिया है, वाई ये लिया है, और यूनिवर्सल सेट जो है 1, 2, 3, 4, 5 से 10 लिया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, माइनस करना है एक्स को। एक्स सेट हमारे पास 1, 4, 7, 9 है। तो आए देखें,
x कॉम्प्लीमेंट विच इज यूनिवर्सल माइनस x इज यूनिवर्सल सेट पहले लिखना है आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 माइनस करना है क्या x, x क्या है 1, 4, 7, 9 1, 4, 7 and 9 तो बच्चों 1, 4, 7, 9 तो कॉमन है फर्स्ट ब्रैकेट में तो आपने वो काट देने 1, 1, 4, 4, 7, 7, 9, 9 कट करने के बाद जो मैंने आपको बताया था बच्चों पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट बच जाएं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट बच जाएं वो आपका रिजल्ट होगा पहले एलिमेंट क्या बचा है 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 8 and 10 बहुत आसान हो गया बस ये रहा x कॉम्प्लीमेंट ठीक है बच्चों अब हम फाइंड कर रहे हैं x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा x यूनियन y ठीक है बच्चों तो x यूनियन y जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ नहीं बढ़ सकते तो आए x यूनियन y निकालते हैं पहले x यूनियन y 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9, 2, 4, 5, 9, 2, 4, 5 and 9 यूनियन सेट जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं सब लिख देते हैं तो 1, 2, 4, 5, 7, 9 विच इज़ यूनियन ऑफ x माइनस x यूनियन y जब ये निकल जाए ये x यूनियन y का रिजल्ट है अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल्स टू सबसे पहले क्या यूनिवर्सल मैं लिख देता हूँ मेंशन कर रहा हूँ यूनिवर्सल माइनस x यूनियन y ठीक है यूनिवर्सल माइनस x यूनियन y आपके पास आ गया अब यूनिवर्सल में से माइनस करना यूनिवर्सल क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 माइनस क्या करना है आपने 1, 2, 4, 5, 7, 9, 1, 2, 4, 5, 7 and last 9 तो बच्चों जो कॉमन था वो कट करने मैंने बोला तो कॉमन क्या आ रहा है 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 7 and 9 अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बच रहा है फर्स्ट ब्रैकेट में बच रहा है 3, 3, 6, 8 and 10 x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 3, 6, 8, 10 हुआ तो कितना आसान हो गया बच्चों ये था हमारे पास चार ऑपरेटर्स जिसका यूज़ आपने आज की क्लास में सीख लिया ठीक है यही सारे चार जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में आपको प्रॉपर्टीज भी बताई थी कुछ तो यही चार के चार ऑपरेटर्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ में ही हम अप्लाई करते रहते हैं जिसमें हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ भी आता है डी मॉर्गन्स लॉ भी इसी तरह है जैसे मैंने आपको लास्ट सवाल परफॉर्म करवाया है ठीक है तो ये बहुत आसान है बस आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और काम आसान हो जाएगा ठीक है इसी तरह आप इस एक्सरसाइज को छोड़ के आप 5.2 पे भी जब आएंगे तो 5.2 में आपको सिर्फ प्रूफ वाले सवाल दिखाई देंगे जिसमें आपको डी मॉर्गन्स लॉ भी दिखाई देगा डी मॉर्गन्स लॉ हमें कहता है डी मॉर्गन्स लॉ हमें कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ मैंने आपके सामने ए भी ले लिए आप एक्स वाई भी ले सकते हैं जैसे हम एक्स वाई सॉल्व कर रहे हैं इट डजंट मैटर इट इज एक्स एंड वाई और ए और बी कुछ भी लिख सकते हैं बस सेट का नाम है ये ए बी यहाँ लिखा हुआ है आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं खैर फॉर्मूला हमारे पर डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड वाइस वर्सा ठीक है तो इसमें हमने आप प्रूफ करना है सिंपली आपको ए बी दिया होगा आपको यूनिवर्सल सेट दिया होगा ठीक है आपने ए बी से यूनियन लेना है इसका जैसे हमने यहाँ पे यूनियन लिया था पहले देन उसका कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है होल कॉम्प्लीमेंट इसी तरह वहाँ पे आपने काम करना है आपको वहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट कहा गया है निकालने के लिए आपने ऐसे ही जैसे मैंने एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाला है
आपने वहाँ पर उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। जब आप दोनों कॉम्प्लीमेंट निकाल लें उसके बाद आपने दोनों को इंटरसेक्ट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गई हर बच्चे को बात? कोई सवाल हो किसी किस्म का किसी बच्चे का तो वो मुझे कमेंट में बॉक्स में करके बता दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये सवाल किया है और मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। यहाँ आप हर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इन चार ऑपरेटर की मदद से आप हर प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हो वो, ठीक है, सोसिएटिव लॉ हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो, ठीक है, कॉमन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है हमारी, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो आपने इसी में करनी है। यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूँगा, जो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं बच्चों। वेन डायग्राम में सबसे पहले तो बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि हम शेड किसको करें, हम क्या करें जिसको हमारा सवाल सही हो जाए। तो बेटा वेन डायग्राम बहुत आसान है आपके लिए। ये मैंने सारी वेन डायग्राम आपके सामने, कुछ वेन डायग्राम बनाई हैं जिसके अंदर मैंने आपको नाम दिए कि यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे, यहाँ ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है बेटा जिसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो बहुत आसान हो जाएगी बात। यूनिवर्सल सेट, जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स जो होता है हमारा पीछे, वो हमारा यूनिवर्सल होता है। जो अंदर सर्कल बना हुआ है, यहाँ सिर्फ वन वेरिएबल की बात की है, एक सेट की बात की है, तो मैंने एक राउंड बनाया आपके सामने, एक सर्कल बनाया है। तो ये हमारे मेरे पास सेट ए है। अच्छा, जिनमें दो बनाए वो सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, तो इस तरह से मैंने इनको नाम दे दिए हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ यूनिवर्सल ए बी, यूनिवर्सल ए बी, यूनिवर्सल ए बी। और इन दोनों सेट्स में, इन सारे वेन डायग्राम्स में जो दो सेट हैं ए एंड बी, उनको गौर से देखें, वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो ओवरलैप करने के बाद जो ये जगह बन रही है जो दोनों में कॉमन है, इसे हम कॉमन कहेंगे कि जब इंटरसेक्शन करने के बाद आंसर आएगा तो इस कॉमन जगह पर हम शेड करेंगे। तो खैर मैं बताऊंगा आपको आगे, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट में चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों के यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो। तो जैसे ही हम यूनिवर्सल में से ए को निकाल देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट बच जाएंगे वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट के होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम शेड करेंगे सिर्फ यूनिवर्सल को। समझ में आ गई बात? बहुत आसान हो गया। हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट में हम यूनिवर्सल माइनस ए करते हैं, तो यूनिवर्सल में से जब ए को निकाल देंगे तो सिर्फ यूनिवर्सल बच जाएगा। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं ए यूनियन बी की तरफ। ए यूनियन बी में वो कहते हैं कि ए यूनियन बी मतलब ए सेट और बी सेट को दोनों को मिलाकर लिख दें, इसका मतलब दोनों शेड होंगे, दोनों को लिखना है, इनमें कॉमन भी होंगे और ए बी के सारे एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बोलता है कॉमन लिख दें। जो दो सेट हैं आपके पास, दो सेट हैं, दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो मेंशन कर दें, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन करनी है, यहाँ यूनिवर्सल जिक्र नहीं है। ए सेट और बी सेट में इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि कॉमन होंगे, तो वो कॉमन ये है, सिर्फ इससे इसे को शेड किया जाएगा। बहुत आसान हो गई बात। अब आते हैं माइनस वाले, ये बहुत आसान है, आप जो फंसेंगे वो इनमें फंसेंगे, यहाँ मैं आऊँगा तो आपको समझ में बात क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं ए माइनस बी की तरफ। ए माइनस बी में बच्चों क्या हो रहा है, ए में से आपने बी को निकाल देना है। जब बी को निकाल देंगे, ए में से बी को निकाल देंगे तो आपके पास बच जाएंगे सिर्फ ए के एलिमेंट, ठीक है, जो कॉमन होंगे ए और बी में, उनको भी तो कट कर देंगे, शर्त ही तो यही है, सब्ट्रैक्शन की डिफरेंस की कंडीशन ही यही है कि आपने जो ए बी में कॉमन है उनको कट कर देना है, मतलब कॉमन वाले नहीं लिखे जाएंगे,
और जो पहले ब्रैकेट में फर्स्ट सेट में बच जाए वो आपने लिखने हैं। इसका मतलब शेड सिर्फ ए होगा, कॉमन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? आगे देखें, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये डिफ़िकल्ट हो गया आपके लिए। कैसे डिफ़िकल्ट हो सकता है? ये जिसने भी हम शेड कर रहे हैं डायग्राम, ये सब शेड इनके रिजल्ट्स पर किए जाते हैं। हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे, इनका रिजल्ट निकालेंगे जब इसका, लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, किसी भी सवाल का हम जब आंसर निकालेंगे तो उसका शेड हमेशा ऐसा बनेगा। याद रखना, जब भी आपके पास ए यूनियन बी का सवाल है तो हमेशा शेड ऐसे ही बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी का सवाल है तब हमेशा वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। तो ये चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरह के, ये मैंने जनरल फॉर्म आपके सामने बना दी है, जब भी इस तरह का सवाल है, एमसीक्यूज में बहुत आता है आपके यहाँ पे बोर्ड में, और इस तरह का सवाल आएगा तो आपने इसी डायग्राम के तहत इनको शेड करना है। ठीक है, इनका रिजल्ट भी इसी तरह आएगा, इनकी वेन डायग्राम भी इसी तरह बनेगी। अब आप देखें, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, जो कि आपको पता है रूल डिमास का, बॉड मास का। ए माइनस बी क्या कहता है? ए माइनस बी कहता है सेम यही, ए माइनस बी की कंडीशन है ये। ठीक है, ये आ गई बात। अच्छा, ए माइनस बी आ जाने के बाद इसका मतलब आंसर आपके पास आ गया सिर्फ ए। उस सिर्फ ए को क्या करना है? यूनिवर्सल में से निकाल देना है। इसका मतलब क्या? सिर्फ इस शेड को पूरे यूनिवर्सल में से निकाल दो तो आपके पास जो शेड बाहर आ रही है, शेप जो आपके पास आएगी, ये कुछ इस तरह की शेप है आपके पास जो कि शेडेड है यहाँ पर ए माइनस बी में। ए माइनस बी की कुछ इस तरह की शेप शेड होगी, लेकिन वो बोल रहा है पूरे यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ ये शेड निकाल दो, ये शेप निकाल दो। क्यों? क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी जो भी है, ए माइनस बी है ये, यूनिवर्सल में से इसको निकाल दो तो क्या बच जाएगा? जैसी इस ट्राइंगल में से इस शेप को निकाल देंगे तो बच जाएगा पूरा बॉक्स। तो पूरे बॉक्स में क्या आता है? जो कॉमन है वो भी आता है, जो बी है वो भी आता है, और जो पूरा बॉक्स है वो भी आता है। क्या नहीं आता? तो नहीं आता सिर्फ सेट ए। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मेरी बात क्लियर हो गई होगी बच्चों कि सिर्फ ये वाली शेप नहीं आती, नहीं चाहिए इसको यूनिवर्सल माइनस ए माइनस बी। क्लियर? बहुत आसान हो गई बात। अब मैं चलता हूँ ए इंटरसेक्शन यूनियन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत आसान है ये भी, मज़ा आएगा आपको करने में। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कहता है सिर्फ ए को निकाल दो, ए को निकाल दो, बाकी पूरा सेट दे दो, बाकी पूरे सेट में शेड कर दो पूरे यूनिवर्सल में। बी कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? बी कॉम्प्लीमेंट बी को निकाल दो, बाकी पूरा यूनिवर्सल शेड कर दो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, ये ए है ये बी है। जब ए कॉम्प्लीमेंट करना है तो यूनिवर्सल शेड है, जब बी कॉम्प्लीमेंट करना है तो भी यूनिवर्सल शेड है। तो जब ए बी की ज़रूरत नहीं है तो ए बी शेड होगा ही नहीं। अब सवाल आता है कॉम्प्लीमेंट, जो कॉमन है दोनों, तो जो दोनों सेट में कॉमन है वो भी तो नहीं लिखे जाएंगे भाई, वो भी नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में से ए को निकाल दिया, बी कॉम्प्लीमेंट से बी को निकाल दिया, सिर्फ यूनिवर्सल सेट बच गया। तो जब यूनिवर्सल सेट ही बच रहा है तो उसको कॉमन तो यहीं पे ख़त्म हो गया, ए को तो ही निकाल दिया ना, तो ए और बी में जो कॉमन है वो भी निकल गए, पूरा ए सेट ए निकल गया, पूरा सेट बी निकल गया, सिर्फ बच गया यूनिवर्सल सेट बस। ठीक है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट बच गया। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत आसान सी बात थी, जिसमें आपको डिफिकल्टी पेश आ रही थी तो ये मैंने आपके सामने वेन डायग्राम सारी सॉल्व करके बता दी। अब जितनी भी वेन डायग्राम और होंगे, ये सारी नहीं है, मतलब सवाल तो कोई सा भी हो सकता है, सवाल तो आपका कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी, और बहुत सा बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन सबकी जो बेस है वो यही है। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो आपकी बेस स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, और आप हर सवाल आसानी से कर सकते हैं। इस बात को गौर करना बेटा, इन शेप्स को देखते रहना, और कोई शेप ऐसी लग रही है इसके अलावा आपको डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब आऊँ तो आपके सामने वही आपकी प्रॉब्लम लेके डिस्कस करें, ताकि आपके लिए चीज़ें
क्लियर हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, तो आज के टॉपिक मैं यहीं तक रखूँगा। यहाँ तक हर बच्चे को आई होप सो बात क्लियर हो चुकी होगी, हर बात समझ में आ चुकी होगी। तो मैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में, अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।